फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के छोले। ये सूखे वाले मटर हैं, इसको हमने भिगो लिया था ओवरनाइट, और इसे हम जल्दी ही कुकर में डाल के इसे पहले बॉईल कर लेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे जब तक उबलने को रखेंगे उतनी देर में अपने मसाले तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, 4-5 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप चाहे तो इसी समय हींग भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाद में एक आध आलू अगर डालना है तो आलू भी डाल सकते हैं। इसमें हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच, और चलते हैं हम ढक्कन लगा देते हैं इसमें। और इसे हम 4-5 सीटी लगने तक डाल लेंगे। इसे हम रख देते हैं इंडक्शन। अब इधर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्च ले लेंगे, प्याज और लहसुन और अदरक, और इसमें हमारे कुछ गरम मसाले हैं, जीरा है, काली मिर्च है, मोटी वाली इलायची है, जावित्री है, और जायफल है थोड़ी सी इधर, और इधर दालचीनी की स्टिक है, काली मिर्च है। इन सबको हम डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर को हम चॉप करके डालेंगे, आप चाहे तो मसाला हमारा पीस चुका है, हम देख सकते हैं। अब चलते हैं हम, जब तक हमारा मटर बॉयल हो रहा है दूसरे कढ़ाई में हम बना लेते हैं, उसका मसाला भून लेंगे, ताकि साथ के साथ मेरा काम जल्दी हो जाएगा और उसके बाद हमारा डिनर तैयार हो जाएगा जल्दी से। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, हम इसे बनाएंगे, और तब तक चलते हैं जब तक छोले बॉयल हो रहे हैं, तब तक जो है हम इसे बना लेते हैं। और इसमें हम तेल डाल देंगे। बहुत दिन बाद फ्रेंड हम जो है डायरेक्टली बना रहे हैं वीडियो, वॉइस ओवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉइस ओवर में होता है कि कुछ चीज़ें आप बता पाते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं भी बता पाते हैं, और एडिटिंग के टाइम पे, और हम ऐसे भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा तेल जो है गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं हींग। हींग आप ज़्यादा ही डालें थोड़ा, क्योंकि इसका जो है डाइजेस्ट होने में थोड़ा दिक्कत करता है, इधर जो है मटर में सीटी लग रहा है। और अब इसमें हम डाल देते हैं ये पेस्ट वाले मसाले, अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और पानी डाल देंगे हल्का सा। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए, और हम नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने बॉयल करने के लिए छोले रखे हैं, तब भी नमक ऐड किए हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हालांकि हरी मिर्च हमने डाला हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं जब। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसका मसाला अगर हल्का भी रहता है तो जो है ये गाढ़ा बन जाता है इसकी ग्रेवी, मटर का कुछ ऐसा नेचर होता है। ये गरम मसाला पाउडर है। अब इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे। मसाले हमारे देख सकते हैं अब भून रहे हैं, 2 मिनट हो गया, इतना अच्छा कलर आ गया। अभी इसे हम 3-4 मिनट और भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इधर मटर हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसे हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले हमारे इधर भून रहे हैं, काफ़ी टेस्टी इसकी जो मसाला तैयार हुआ है। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, खाने में भी बना सकते हैं, आपकी जो है चॉइस। मसाले भून चुके हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे, और इसमें मटर भी डाल देंगे। बस हमें पानी इतना ही रखना है, हमें इसे चावल से खाना है रोटी से, और इसे हम अब उबलने देंगे। छोले में उबाल आ गया है थोड़ा सा, और इसे हम उबलने देंगे।
ताकि इसका झाग ऊपर से निकल जाए। और अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जितना देर हम इसे रखेंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। छोले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे एक चम्मच चीनी, हल्का मीठा टेस्ट के लिए। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसका उथल पुथल हम थोड़ा शांत होने देंगे। उसके बाद इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऊपर से ऐड कर देते हैं। छोले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े प्याज और थोड़े से धनिया के पत्ते से इसे हम गार्निश कर देंगे। आई होप हमारी ये रेसिपी मटर के छोले की आपको पसंद आएगी तो बना के ट्राई जरूर करिएगा। बहुत चटपटे छोले बने हुए हैं और देखने में भी टेम्पटिंग लग रहे हैं। इसे हम चावल और रोटी से सर्व करेंगे। आप भी बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।